नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ साझा कर रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान इतिहास लेखक, विश्रुत निबंधकार और श्रेष्ठ समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि दो भागों में और रस मीमांसा जैसे ग्रंथ उनके पांडित्यपूर्ण चिंतन, मौलिक विवेचन और गहन अनुशीलन के ऐतिहासिक मानदंड हैं। महाकवि तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर लिखी गई विस्तृत समालोचनाओं और ग्रंथ भूमिकाओं द्वारा जहां उनकी मौलिक, तर्कपूर्ण और अकाट्य स्थापनाएं प्रकाश में आई, वहीं हिंदी समालोचना की दृष्टि व्यवस्थित और विकसित हो पाई। आचार्य शुक्ल द्वारा अनुदित कृतियां विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित और शशांक उनकी अनुवाद क्षमता का परिचय देती। आचार्य शुक्ल ने समस्त रचनाकर्म को सामाजिक और सहृदय के भावात्मक सरोकार से जोड़कर तथा लोक मंगल की कसौटी पर कसकर ही साहित्य सिद्धांतों का व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय काव्य परंपरा के सम्यक विश्लेषण द्वारा अपने समय के साहित्य और समाज की अवधारणाओं का मूल्यांकन किया और जहां जरूरत पड़ी तदनुरूप उनका खंडन मंडन और संशोधन किया। पाश्चात्य जगत की स्वीकृत, प्रचलित और समकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा समीक्षा शैलियों की खूबियों और खामियों के साथ साथ भारतीय पक्ष की विशिष्टताओं और विविधताओं को रेखांकित किया। जीवन की समग्रता पर दृष्टि होने के कारण ही आचार्य शुक्ल विरुद्धों का सामंजस्य देखने के आग्रही थे। दोस्तों, कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो निबंध है जिसमें उनकी कविता संबंधी, साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, सोच मौजूद है। साहित्य को समझने के लिए साहित्य के सृजन की बारीकियों को जानने पहचानने के लिए ये निबंध साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, जिज्ञासु के लिए, लेखक के लिए महत्वपूर्ण निबंध है। आचार्य शुक्ल के साहित्य संबंधी ये निबंध साहित्य, समाज, सौंदर्य, साहित्य की भूमिका, साहित्य की लेखन प्रक्रिया, इन सब बातों की ओर स्पष्ट तौर पर दिशा सूचक है। ये निबंध थोड़ा लंबा है, इसलिए इसे दो या तीन भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रस्तुत है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं।
कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उसका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पट पर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूस, शाखा, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, ढुर्री, हल, झोंपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेघ का बरसना, कुहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बाह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्वहरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों-त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ अच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उनके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की ही रक्षा तक था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। भावों के विषयों
और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस दस्तावेज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में, जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है, वह भी कुछ सभ्यता के साथ साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रचन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रचन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा, तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसलिए न कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं बैठा सूखे चने चबाऊं, तुम्हारे लड़के दोपहर को दुशाले ओढ़कर निकलें और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। यह हुआ प्रकृति रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ हैं। कोई बात जब इस रूप में आएगी, तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इसी बात को ध्यान में खींचकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कविर रीति वृत्त मात्र निर्वाहेण आत्म पदलाभ। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का डेढ़ पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थानों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपये का डेढ़ पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी, तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं, एक रुपये का बहुत कम घी मिलता है,
इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम हैं। इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव में उसने योग न दिया, खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा तो उसके जीवन में रह क्या गया। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर के। पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हों या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोक रचित ही है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। श्रृंगार के उद्दीपन के रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में वे काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है उस भावोद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखड़ियों और झुके हुए
नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे, और इस प्रकार भी कह सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरों पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। वन की भूमि जिसकी हरी भरी घास ओस के गिरने से कुछ कुछ नीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और अंतर्वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध है, पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्तृता दे या ना दे, चंदा इकट्ठा करे या ना करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुप गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श मीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, वे विषयी या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमबिंदु मंडित मरकताव शाद्वल जाल अत्यंत विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जल प्रपात के गंभीर गर्द से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रबाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि कालिदास भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचनाओं में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य चिरपरिचित सीधे सादे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारण भव्य और विशाल की ओर। साचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिरपरिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने
वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की जोती हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई फोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोंपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोंपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानासी के नीलाभ हरित कंटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं, बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करते मांगती है या चोरी से ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कड़ाई की परवाह ना कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्वरस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कविता क्या है निबंध का भाग एक। निबंध के शेष भागों के लिए आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।